नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि रिम्स के ट्रामा सेंटर को इंटीग्रेटेड कोविड 19 सेंटर बनाया गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी मरीज अगर रिम्स आता है तो उन्हें हेल्प डेस्क के माध्यम से सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या एडवांस सपोर्ट की तो हमारे यहाँ सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन से बहुत सहयोग मिल रहा है, पूरे तत्परता के साथ उसको अपना लिया। रिम्स के लिए कोरोना की तैयारी तो आप लोग को पता ही है कि हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सेंटर है, वो सारे सेंटर को ही हम लोगों ने कोरोना सेंटर के रूप में इंटीग्रेटेड कोविड 19 सेंटर या इंटीग्रेटेड कोरोना सेंटर के रूप में हम लोगों ने उसे ईयरमार्क कर दिया है। उसे उसी रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे ही पोर्टिको में कोई भी मरीज आता है, पहले उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से उसका जो है, हम लोग तुरंत वहीं से हेल्प डेस्क में चला जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद हेल्प डेस्क में उसका ये सारी चीज़ों का जानकारी उसको दे दी जाएगी। अगर उसमें कोई भी सिम्टम है तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में लेने के लिए पेइंग वार्ड के तृतीय तल पे व्यवस्था कर रखे हैं कि अगर सिम्टम है और उनके वो फिट करते हैं उसके डेफिनेशन में, तो हम लोग उसे वहाँ ले जा कर रख देंगे और वहाँ से ब्लड टेस्टिंग के लिए हम लोग भेज देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को रिक्विजिशन, माइक्रोबायोलॉजी आके अपना ब्लड टेस्टिंग ले लेता है। कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके बाद राज्य सहित पूरे देश में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ओंकार अवामी ने जब ग्रामीण क्षेत्रों पर गुजर बसर कर रहे किसानों की सुध ली तो पता चला कि देश के अन्नदाताओं के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। किसानों की सब्जियां खेतों पर ही बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके बाद राज्य सहित पूरे देश में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ओंकार अवामी ने जब ग्रामीण क्षेत्रों पर गुजर बसर कर रहे किसानों की सुध ली तो पता चला कि देश के अन्नदाताओं के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए, हर तरफ तो जो बंदी है तो सबका लिए, जो कोरोना वायरस जो है सबका लिए बंदी है, तो कहाँ पर लेके जाइएगा? मार्केट तो पूरा बंदी है, बाजार भी बंदी है, इसीलिए बारिये में पड़ा हुआ है। तो आप लोग का तो फसल बर्बाद हो रहा होगा। बर्बाद जी, पूरा बर्बाद। तो आप लोग खेती बाड़ी से निर्भर क्या, और आप लोग का कोई बिजनेस है, कोई धंधा पानी है इसे? नहीं नहीं, हम लोग का टोटल खेती बाड़ी से निर्भर है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का खान पान खेती बाड़ी से करते हैं। तो इस बार आप लोग का सब्जी जो है नुकसान हो रहा है, खेत पे ही बेच नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप लोग आगे जीवन चलेगा? क्या चाहेंगे सरकार से आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि बैंक से लोन लिए हैं तो कुछ मदद करे, अन्य तो इसी तरह अगर रहेंगे हम लोग तो मर जाएंगे ना। कांके क्षेत्र के सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की माने तो लॉकडाउन होने पर उनके खेतों पर पड़ी सब्जियों की बिक्री नहीं हो रही। कारण साफ है कि लॉकडाउन में पूरी तरह से यातायात, आवागमन और बाजार बंद कर दी गई है। बेचने गए थे तो बंद हो गया है, तो सब बाड़ी में पड़ा हुआ है। बहुत बारिश पड़ा हुआ है, 7 दिन सब लोग सब्जी नहीं बेच पाए। मैं 2-4 दिन बेचे थे, उसके तो बंद है इधर। आप लोग सब्जी बेच नहीं पा रहे हैं, कमाई का जरिया बंद हो गया है, तो ऐसे में आप लोग तो नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान तो बहुत है। कितना पूंजी लगाए? पूंजी तो लगाए हैं 25,000। 25,000 कहाँ से? लोने लेके किए हैं। अच्छा, लोन से कर्जा लेके खेती करते हैं। इस बार आप लोग का सब्जी जो देख रहे खेत में ही पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कई गांव के मुख्य सड़कों पर बांस बल्ली से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है, जिससे ना ही गांव से कोई बाहर और ना ही कोई अंदर आ सकता है। ऐसे में किसानों की सब्जियां खेतों पर ही बर्बाद हो रही है। होगा 50 डिसमिल, और लॉकडाउन में हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं, इसी कारण मेरा बारे में ही सब्जी खराब हो जा रहा है। जो आप लोग खेती यहाँ पे लगाते थे, अपने सब्जी उत्पादन से ही आप लोग का घर, जो बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना, ये सब उसी पे निर्भर था, या और कुछ आप लोग का पैसा है? खेती बाड़ी का ही निर्भर है, बच्चे लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, उसी से बाजार हाट जीवन बसर करते हैं। क्या क्या सब्जी लगाए हैं बाजार अभी खेत में आपका? खेत में अभी धनिया पत्ता है,
बंधा गोभी है और फूल गोभी है, उसके अलावा बोदी है, खीरा है। अभी लॉकडाउन किसानों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि जल्द ही सरकार किसानों के बारे में सोचे और उनके सब्जी उत्पादन को बेचने के लिए बाजार मुहैया कराए, साथ ही सरकार द्वारा किसान ऋण माफी की भी घोषणा की जाए ताकि बर्बाद फसलों का मुआवजा किसानों को मिल सके। रांची से ओंकार अवामी के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। साहिबगंज के डीसी वरुण रंजन ने जिलावासियों को अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर साथ रहें और इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई को मिलकर लड़ें। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे ज़िले में लॉकडाउन लागू किया गया है। अभी तक पूरे ज़िलेवासियों के द्वारा पूरा सहयोग मिला है। लॉकडाउन के कारण सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के लिए भी लगभग 1,500 पैकेट बनाया गया है। वहीं डीसी ने जिलेवासियों से अपील की है कि किसी व्यक्ति को अगर खाना नहीं मिल रहा है तो इसकी जानकारी हेल्पलाइन पर दे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण को लेकर के पूरे जिले में लॉकडाउन लागू किया गया है। अभी तक सभी जिलेवासियों से हम लोगों को अपार सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है और आगे भी हम लोग आशा करते हैं कि आप सभी लोग जिला प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, अपने घर में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के कारण कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे मजदूर हैं, गरीब हैं, जिनको खाने की दिक्कत आ रही है। इसको लेकर के सरकार एवं जिला प्रशासन की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे जिले में 1,96,000 जो राशन कार्ड धारी हैं उन सभी को 1,000 सुपर पीडीएस दुकान के माध्यम से 2 महीने का राशन वितरण किया जा रहा है। ये कार्य प्रारंभ हो चुका है और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने पीडीएस डीलर के दुकान में जाकर के राशन को लें। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदुल साहदेव ने कहा कि भाजपा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आए। वैसे में कोविड-19 के लक्षण 14 दिन के भीतर कभी भी सामने आते हैं, इसलिए यह जांच बार बार होगी। प्रदुल साहदेव ने कहा कि अब सरकार को यह जाँच करानी चाहिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी किन किन अति महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आए थे। मंत्री जी ने विधानसभा की बैठक में भी हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ आगे की पंक्तियों में बैठे थे। प्रतुल साधु ने कहा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका पुत्र कभी दिल्ली गया ही नहीं। अगर यह बात सही है तो यह गंभीर मामला है और इस मामले की गहन जांच करानी चाहिए कि उसका नाम लिस्ट में कैसे आया। लेकिन अगर यह बात गलत है तो मंत्री जी पर इस महामारी के दौर में तथ्यों को छिपाने के लिए और राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रार्थना करते हैं कि मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब के पुत्र का कोरोना संक्रमण का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आए, लेकिन वो दिल्ली की जमात की बैठक में शामिल हुए और वहां से लौटने के बाद उनके पिता ने इसकी सूचना राज्य सरकार को नहीं दी। हम इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं क्योंकि हाजी साहब ने उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो अग्रिम पंक्ति में बैठते थे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ। इसके अतिरिक्त सरकार के स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो हम ये आग्रह करते हैं सरकार से कि हाजी साहब जिन जिन लोगों से करीबी संपर्क में आए थे हाल के दिनों में, उन लोगों के भी स्वास्थ्य की जाँच की जाए और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो मापदंड है, जो गाइडलाइंस है इस मुद्दे पे कि ऐसे लोगों को या तो आइसोलेशन में रखा जाता है या ऐसे लोगों के लिए जो भी जरूरी कदम है उनका उठाना चाहिए। लेकिन हाजी साहब कह रहे हैं कि उनका पुत्र कभी दिल्ली गया नहीं। अगर ये बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उसका नाम लिस्ट में कैसे। दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों को झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में पिछले 4 दिन पहले 15 मजदूरों को पकड़ा गया था। उस सारे मजदूरों को हेंसदा पंचायत भवन में रखा गया है, मगर इन मजदूरों के अभी तक कोरोना वायरस की जांच नहीं हुई है। इसी को लेकर मजदूरों में संशय की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि हाल ही में एक और मजदूर को लाया गया। आपको बता दें कि 10 बेड में 15 मजदूर रहने को विवश हैं। मजदूरों का कहना है कि अभी तक हम लोगों का टेस्ट नहीं हुआ। एक रिपोर्ट। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर से पिछले 4 दिन पहले 15 मजदूरों को पकड़ा गया था। उन सारे मजदूरों को हांसदा पंचायत भवन में रखा गया, मगर अभी तक इन मजदूरों के कोरोना वायरस की जांच नहीं की गई है, जिससे मजदूरों में संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पिछली रात एक और मजदूर को यहां लाया गया है। पहले से रह रहे मजदूर उस मजदूर से मिलना नहीं चाहते। वहीं दूसरा मजदूर जो है वो अलग रहने को विवश है। वहीं 10 बेड में 15 मजदूर भी रहने को विवश है।
आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन होने के बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह कहा गया था कि जो जहां है वहीं रहेगा। उसके बाद बेंगलुरु से आए 15 मजदूरों को पिकअप वैन में झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के तीरिंग में कोवाली थाना द्वारा वहां रखा गया। भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई, मगर इन मजदूरों में कोरोना को लेकर भय व्याप्त है। मजदूरों का कहना है कि अभी तक उनका टेस्ट भी नहीं किया गया है। दूसरी ओर पिछली रात एक मजदूर को लाने से मजदूरों में काफी डर का माहौल है। वहीं इन सब मामलों पर ग्राम प्रधान राम रंजन प्रधान का कहना है कि पंचायत भवन में 10 बेड की जगह है, मगर वहां 16 मजदूरों को रखा गया है, जिसके कारण मजदूर दिन रात डरे हुए हैं। तो पकड़ा गया 15 ला के यहाँ रख दिया है। वो आज कल पकड़ा एक ठो, तो इन लोगों में मिलजुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका अगर कोरोना ये छुआछूत का बीमार है, अगर उनका है तो बोल रहा कि हम लोग का 15 आदमी को फंस जाएंगे, इसीलिए दिक्कत है। उन लोग को अलग एक आदमी को रखना पड़ता है, दिक्कत वही है। वो सिली मुरी जाना है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है बाबू कि मेरा माँ का तबीयत खराब है, हम अकेले आदमी हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हमको जाना ज़रूरी है बाबू घर, और यहाँ 15 आदमी है बाबू, उन लोग हमको मिक्स नहीं कर रहा है अपने साथ में, और बेड भी नहीं है बाबू, हम अलग चेयर में सोते हैं बाबू। क्या चाहते हैं बाबू? घर जाना चाहते हैं। मेडिकल हुआ आपका? नहीं बाबू, मेडिकल नहीं हुआ अभी तक। नहीं बाबू, कोई आया नहीं मेडिकल। कब पकड़ा है आपको? हमको कल रात को पकड़ा है। कल रात को पकड़ा है जी? कहाँ पे? यहाँ बॉर्डर में। मेडिकल अभी तक नहीं हुआ? नहीं बाबू। कोरोना वायरस को लेकर तो पूरा देश डरा और सहमा हुआ है। अब ऐसे में अगर मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था भी न की जाएगी तो मजदूरों का यह डर जायज है। ओंकार आवामी के लिए पोटका से शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन है। कड़ी धूप के बावजूद भी रांची के कई चौक चौराहों में पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। इन्हीं कर्मियों के बीच बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मास्क, ग्लव्स और छाता का वितरण किया गया। दिन रात धूप में सब जल लोगों का सेवा कर रहे, उनका हमारा एनडी की तरफ से, बैंक ऑफ इंडिया एनडी की तरफ से छतरी, मास्क एवं ग्लोव्स हम बैंक ऑफ इंडिया तरफ से प्रदान करें, सो दैट उनका जीवन सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहे। ये बैंक ऑफ इंडिया छोटा सा अवदान इस सोसाइटी को, ऐसा जो 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 पुलिस कर्मी है वो जो दिन रात मेहनत कर सबको जगा रहे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे, उनको थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए छोटा सा भेजे। कितने जगहों पर बांट रहे हैं आप? हम पूरा सिटी में बांट रहे हैं, पूरा रांची सिटी में डिफरेंट चौक में हम जाएंगे, अभी सब जगह बांट रहे हैं पुलिसकर्मियों के लिए। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर पाकुड़ में प्रशासन के प्रयास से युवाओं की टोली भी कदम से कदम मिलाकर सहयोग में जुटी हुई है। जिला मुख्यालय के श्रवण टेबड़ीवाल और अभिषेक गोयल लॉकडाउन के दौरान घर में ही फंसे पहाड़िया आदिवासी मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। इन युवकों की टोली खिचड़ी, पूड़ी, हलवा जरूरतमंदों को पहुंचाने के साथ साथ लॉकडाउन का अनुपालन करने के अपील भी कर रहे हैं। अभिषेक गोयल ने बताया कि अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 500 जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन और पैकेट उपलब्ध कराए गए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लेकर WHO द्वारा मास्क सैनिटाइजर को जरूरी बताया गया है, और इन दिनों राजधानी रांची में मास्क और सैनिटाइजर की घोर किल्लत है। लोगों को 60 रुपए के सैनिटाइजर 200 रुपए में और 10 रुपए के मास्क कालाबाजारी के कारण 50 से 70 रुपए में बेची जा रही है। इसी को लेकर रांची RPF महिला बटालियन द्वारा युद्ध स्तर पर मास्क का निर्माण किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों तक मास्क पहुँचाया जा सके। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर WHO द्वारा मास्क सैनिटाइजर को जरूरी बताया गया है, और इन दिनों राजधानी रांची में मास्क और सैनिटाइजर की घोर किल्लत है। लोगों को 60 रुपए का सैनिटाइजर 200 रुपए में और 10 रुपए का मास्क कालाबाजारी के कारण 50 से 70 रुपए में मिल रहा है। हालांकि अब बाजार में इसकी किल्लत नहीं होगी, क्योंकि रांची RPF महिला बटालियन द्वारा युद्ध स्तर पर मास्क का निर्माण किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाया जा सके। इस विकट परिस्थिति में पुलिस बल के जवान लगातार इस तरह से जरूरतमंदों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। भोजन सामग्रियों के वितरण के अलावे पुलिस के जवानों का कई मानवीय चेहरा इस दुख की घड़ी में सामने आ रहा है। कहीं पुलिस के जवान पशुओं को चारा खिला रहे हैं, तो कहीं जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट
वितरित कर रहे हैं और उनकी भूख और प्यास मिटा रहे हैं। ऐसी ही एक झलक रांची आरपीएफ महिला बटालियन में दिखी। रांची आरपीएफ महिला बटालियन की टीम जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर मास्क निर्माण में जुटी है। हम सभी रांची डिवीजन की आरपीएफ महिला कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए मास्क उपलब्ध करवाने हेतु रांची डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट श्री प्रशांत यादव के आदेशानुसार मास्क बनाने का कार्य कर रहे हैं, जो प्रतिदिन लगभग 150 मास्क हम सभी आरपीएफ महिला कर्मचारियों द्वारा बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को कोरोना वायरस जैसे संक्रामक बीमारी से बचाया जा सके एवं लोगों के बीच अधिक से अधिक मास्क उपलब्ध कराए जा सके। गौरतलब है कि इन दिनों मास्क कालाबाजारी के कारण ऊंचे दामों में बिक रहा है, जरूरतमंदों तक मास्क पहुंच नहीं रहा। इसे देखते हुए आरपीएफ की महिला टीम मास्क निर्माण में जुट गई है। हजारों मास्क बनाकर जरूरतमंदों के बीच बांटा जा चुका है। वाकई में ऐसी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन के साथ साथ आरपीएफ के जवान इस तरीके से समाज की सेवा में जुटे हैं, जो कि सराहनीय है। ओंकार अवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं और कुछ तबका ऐसा है जो फुटपाथ या सड़क किनारे रहने को मजबूर है। ऐसे जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा न्यू मार्केट रातू रोड में चलाए जा रहे गरीबों की दुकान, जहां सुबह शाम निःशुल्क भोजन वितरण सेवा के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 लोगों के बीच मजदूर जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 10 दिनों से, आज 10वां दिन है, सुबह और शाम का जरूरतमंदों के बीच में हम लोग भोजन वितरण करने का काम कर रहे हैं। न्यू मार्केट चौक में सुबह में और शाम में न्यू मार्केट चौक में, और उसके अलावा कई स्थानों पर जा जाकर, मतकम रोड नंबर 5, लाइन्स क्लब, स्वर्ण जयंती नगर, कल से राष्ट्रीय युवा शक्ति का एक नया टीम चूनाभट्टा में करीब 250-300 लोगों का वहाँ भी खाना चालू किया गया है। तो जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोगों का यही प्रयास है कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता के द्वारा जरूरतमंद के बीच मास्क, सैनिटाइजर, खाने पीने के सामान का वितरण किया गया। लोगों को समझाया गया कि बाहर ना निकले। वहीं संघ के सदस्यों ने बताया कि आगे भी इस तरह मास्क और खाने पीने के सामान का वितरण करते रहेंगे। दिया गया है, वो लोग को डेली कमाने खाने वाले हैं, और वैसे में रिक्शा चालक हैं, जो सड़क किनारे लोग रह रहे हैं, उन लोग के बीच मास्क वितरण किया गया है। और उनको समझाया गया है कि जहाँ पे वहीं पे रहिए, वहीं पे अगर आपकी खाने का व्यवस्था भी हो सकती है, और आपको वहीं पे आपको आप इधर उधर ना जाएं, क्योंकि इस तरह अपने आप को सफाई पे रखिए और जहाँ हो इधर उधर ना भटकिए और मास्क लगा के रहिए। इसीलिए इन लोग के बीच मास्क नहीं थे, आज उन लोगों को मास्क वितरण किया गया। झारखंड के कई हिस्सों में 6 से 8 अप्रैल तक बारिश और गर्जन का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने किया है। इसके अनुसार 6 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और सरायकेला में बारिश हो सकती है। 7 अप्रैल को इसका फैलाव राज्य के दक्षिणी के साथ साथ मध्य यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिलों में हो सकता है। उत्तर पश्चिमी जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भी इसके असर की उम्मीद है। 8 अप्रैल को मौसम में व्यापक बदलाव की चेतावनी दी गई है। इस दौरान संताल परगना को छोड़ राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं तेज गति से हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना है। ऐसा स्थानीय कारकों के कारण होगा। 9 अप्रैल से मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए ओंकार अवामी। नमस्कार।